मैं ही खड़ी हूँ। वो प्लेट टेढ़ी है। माँ के हाथ का प्यार। पार्ट टाइम डिलीवरी का काम चालू कर दिया हमने। वो बंद है भाई, ताला दिख गया। चीट डे मनावांगे। तेरा रोज चीट डे रहे हैं। है? ओखा सोखा कटने ही पिया हूँ। जिंदगी कुछ कुछ पाने लिए कुछ खोना पैंदा है, राइट? कोई नहीं, चल ठीक। ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਖੋਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ੀਆਂ? ਆਹੀ ਮੈਕੀ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸਮੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਸਮੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਜੀਬ ਤੱਕ ਮਤਾਣ ਦੀ ਬਲਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ। ਐਮਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਮ ਕੋ ਆਫ ਹੋਗੇ। ਦੇਖੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ। क्या करेगी बंद पाया तो? तूने कल वर्कआउट कर रखे है ना, अपना बाइसेप्स की पावर देखा, गेट तोड़ दिए आज। देखी जाके तेरी गल लाऊं मैं, जा फुल फुल सपोर्ट है तेरा। होता ही नहीं है ब्रो, अब बंद है यार, है ना? कोई नहीं है अंदर, देख बंद है, खोल दो। मैं कही यार आज मन लागे शायद चल लेना, जब उसने बताया आज विक्टोरिया का मकाल। पर ये गलत नहीं, इनको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था जिम बंद रहेगा। मेरी भी हाँ, तुझे पहुंच गए घर वापस, बहुत हार्ड कोर वर्कआउट करके। हाँ। मजा आया है इतना भी वर्कआउट करके। और नहीं कुछ है? बहुत हैवी वर्कआउट करके आई है ना हरमन, तो इसके लिए आज बहुत हैवी मील बन रही है। एग्स, ब्रेड और माँ के हाथ का प्यार। मम्मी ने घी भेज रखा है ना मेरे को दे के, तो ये इस्तेमाल होता है ऑमलेट में, अपनी बनाते ऑमलेट, इसी से शांति मिलेगी। हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा है, राइट? कुछ तो है क्या? मस्ती कर रही है। सही बता क्या गर्म कर रही है? कुछ नहीं कर रही। मैं देख नहीं, बता जल्दी चल पे भाई। जूस है ना, तो जूस गर्म कर रही है। अभी निकलेगा जब देखूंगी मैं, रुक जा मैं यही खड़ी हूँ। वो प्लेट टेढ़ी है। दिख गया ये कोई चाय दूध नहीं है, जूस है। जूस कौन गर्म करता है भाई? तू हिल गई है क्या? ओए ओए ज्यादा ठंडा सी है। आ देखो ऑन बोलो, ये चाय दूध है, जूस है ना। मूर्ख लड़की मरेगी, हूं भी किसी दिन तेरा फूड पॉइजनिंग बनेगी और कुछ नहीं होना, फिर मानेगी तू? कुड़िए ओ ठंडा सी है ज्यादा। आप ही तो गर्म कौन करता है, बाहर रख देती ना फ्रिज से बाहर। ओ नहीं होना सी ना, किसी से ठंडा। आगे गर्म मत करियो, वैसे ही बता रही हूं, बीमार हो जाएगी। कोई बात नहीं, मजा आ गया, अब खुश है, हम खुश है। और साथ में बन रही है चाय, पहले ये फिर ये। देखिए कि एकदम से जो निकले हैं उसके पीछे का खास मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया अपने देश कुछ सामान भेजना है और वो सामान देने के लिए हम स्पेशल डिलीवरी करने के लिए निकले हैं अभी घर से। मेरे जितने डिसेंट बालक होने बंद हो गए, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे, बैठते सीट बेल्ट बांध ले, जो सामान मेरे को पकड़ाना है जिनके यहाँ वो सवा रहते हैं, तो उनकी फ्लाइट है एक दिन बाद में, सो कल जाएंगे इंडिया, तो आज मेरे को सामान हर हाल में दे के आना था। पहले प्लान तो यही था कि यार बिना जाए सद जा तो ठीक है, एयरपोर्ट पर तो ले ले, पर वो बात है अपनी गरज में बंदे ने बाजना पड़ा है, तो हम भी बस नहीं हुआ। चलो Like a light lighting up in the dark, you make it right. कोई चीज ऐसी होती है ना इंडिया से रिलेटेड, स्पेशली अपनी जगह से रिलेटेड, लाइक हरियाणा या वहां से, तो ऐसा फील होता है यार कि वो देशभक्ति वाली चीज एकदम से ना अंदर से इतनी जागृत हो जाती है। मेरा कोई काम नहीं, हालांकि मुझे सामान देखना, बट स्टिल मुझे ये हुआ कि नहीं, अगर इंडिया जा रहा है ना सामान तो मैं चलती हूँ साथ ना। अभी रुके हैं गाड़ी में फ्यूलिंग करने के लिए ना, ये बहुत ज्यादा आ रहा था कि यहाँ पे गैस के अब प्राइसेस क्या हैं, डीजल पेट्रोल के सिस्टम हो यहाँ पे? डीजल का पेट्रोल का जैसे 1.98 है, हर एक घंटा में चेंज होते रहे, मतलब कुछ पावर अपनी पेट्रोल है, पेट्रोल है $1 और 99 या 98 सेंट के आसपास ये रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत फ्लक्स। वीकेंड पे जो है थोड़ा बढ़ जाता है, मैंने यह चीज़ तो नोट करी है ना, वीकेंड पे क्योंकि लोग घूमते हैं, फ्यूलिंग ज्यादा होती है, तो वो करके शाम का टाइम भी ज्यादा $120
बस पहुंचने वाले लास्ट के 6 मिनट, 4 किलोमीटर का रास्ता जो है बस रह गया है। और मतलब अब लगभग 1.5 किलोमीटर पहले से बहुत प्यारे प्यारे नजारे आने लगे, ऐसे ग्रीनरी, पूरा खुले खुले एरिया। पहुंच गए लोकेशन पे, और इस वाली लोकेशन पे तो ना घर जो बने हुए ना, जहाँ पे अभी मैं हूँ वहां से तो बोल बहुत ही अलग टाइप के घर हैं। और लोकेशन यहाँ देख के मेरे को ये हो रहा है कि यार यहाँ मेरे को मूव कर लेना चाहिए, लेकिन वही बात है यहाँ अपना कोई जानकार नहीं है, तो करके फिर ये होता है कि नहीं वहीं ठीक है। बाकी इन फ्यूचर मतलब ये है कि क्योंकि ये ना टोरंटो के पास ही, यहाँ से टोरंटो लगभग 15-20 मिनट की ड्राइव पे ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, अच्छी लोकेशन, खुले खुले घर, बढ़िया रास्ते, तो सब कुछ अच्छा है। वैसे तो सारा ही खूबसूरत है, नो डाउट। ये पार्सल है जो हमें भेजना है इंडिया। पार्ट टाइम डिलीवरी का काम चालू कर दिया हमने, ठीक है। बोले देखो अपना सामान तो हमें देना ही था, सामने से भी हमें एक पार्सल मिला है कि हाँ भाई जहाँ आप रहते हो ना आपके एड्रेस से कोई इसको पिकअप कर लेगा, ये ले जाओ। तो मतलब वहाँ से यहाँ डिलीवर करना है, अब यहाँ से वहाँ डिलीवर करना है। तो मैं बता दूँ मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी का जॉब जो है अपना ज्वाइन कर लिया, तो किसी ने इंडिया कुछ पहुँचाना हो, इंडिया से किसी ने आड़े के वहाँ पहुँचाया हो, उसके घर तक पहुँचाना हो, यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी। सच में इसी फील आए जब नन्नू के नेक पाउच हम देंगे वो आपके घर तक ले जाए। अरे भाई ना हट सकते, अगले के घर आ खड़े हम का और क्या करा, मगर ठीक है दे दो। ये घर देखो एरिया, वैसे तो मतलब साफ सफाई तो हर जगह ही है कैनेडा में, आपको यूँ नहीं कि कहीं पे गंदगी मिलेगी, रोड गंदे मिलेंगे, सब जगह इतनी बढ़िया क्लीनिंग और साफ सुथरी जगह मिलेगी। बट जो ये घर बने हुए ना, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि यहाँ पे जो बालकनी है ना, मेरे को बालकनी वाले घर वैसे भी पसंद है, तो यहाँ इस एरिया में मेरे को बालकनी वाले घर थोड़े देखने मिले, जैसे वो वहाँ पे 20 वाले घर में भी। तो ये एरिया स्पेशली मेरे को घरों को देख के बड़ा बढ़िया लगा कि यहाँ पे घर बड़े सही है। कुछ रास्ते से जो कर अपने हरियाणा में जो कर रोहतक था, सोनीपत, पानीपत जाकर बीच बीच में जो अच्छी ग्रीनरी वाला रास्ता था ना, तो वो देख के मेरे थोड़ी हरियाणा की वाइब सी मैच होती लगी यहाँ तक, हाँ चलो ये चीज ठीक है, ये देखने मिला। कुछ खाने पीने का अपना ले लेते हैं, आपका भी रैप कर दूँ ना, नॉट चिकन या एंड टू स्मॉल डबल डबल या टू स्मॉल डबल डबल या दैट्स इट। सात ऑलरेडी बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ घर और इनका प्लान बन गया थोड़ा घूमने के लिए, आउटिंग के लिए। मैं अभी जस्ट आई हूँ तो मैं कहा भाई नहीं थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर करेंगे व्लॉग एडिट कर, बस फिर सो जाऊंगा, जल्दी सोऊंगी क्योंकि कल क्लास है। एट द एंड हमेशा की तरह ना मैं खा पी रही हूँ, मैं फुल हूँ एकदम मामला, मैं व्लॉग एडिट कर लूंगी, टाइम भी हो जाएगा, ठीक है।